सोचा था सनराइज देखेंगे बट वेदर चेंज हो गया है और स्नोफॉल स्टार्ट हो गया यार। ओह माय गॉड, ये खेती हो रहा है? खेती क्या बो रहा है वो? आलू। अच्छा आलू हो जाता है। ओके, ये गांव का नाम क्या है? पाउडर। पाउडर, अच्छा यही है पाउडर। पाउडर यही है। देखो एंजॉय कर रहे हैं। ये होस्ट की ये प्रॉपर्टी है जो कि है कांगकाली में, और कांगकाली ये एक हिल स्टेशन टाइप का है, पहाड़ के ऊपर है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये है मेरा डे 4 खोपड़ा डांडा में, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30, और इस टाइम पे टेम्परेचर हो रहा है -6 डिग्री, तो बहुत ठंडा है। वीडियो चालू करके मैंने ग्लव्स पहन लिया है, और गलती से ये कैप उतर गया है यार, इसको पहनता हूँ थोड़ा, नहीं तो सब सुन हो जाएगा। अभी गर्म अंदर से निकला हूँ तो महसूस नहीं हो रहा, और कुछ अभी हवा नहीं चल रही तो इसलिए महसूस कुछ नहीं हो रहा। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे महसूस होगा, बट अभी का व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है, सनराइज हुआ नहीं है। और ये देखिए भाई, ब्यूटीफुल, नाक से टच करके मैंने इसको किया है वन पर। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल, क्या जबरदस्त लग रहे हैं यार पहाड़। और ये देखो सामने धुंध नीचे, थोड़ा इधर चलता हूँ मैं, स्टिक लाना भूल गया, अभी ऊपर नहीं जा रहा मैं क्योंकि सनराइज कैप्चर करने के लिए ऊपर जाऊँगा, फोन को ऊपर रखूँगा। ब्यूटीफुल, क्या जबरदस्त नज़ारा है यार। और ये देखो भाई सामने का, है ना मस्त। अरे यार ऐसे व्यू कहाँ दिखेंगे आपको घर बैठे बैठे। अंदर जा रहा हूँ, ठंड लगने लग गई, अभी ऊपर जाऊँगा, स्टिक लेके आता हूँ सनराइज के लिए, इसको ऊपर रख के आऊँगा कैप्चर करने के लिए। जिंदगी का मज़ा पहाड़ों में है भाई, व्यू देखना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा जाने का, पर -6 डिग्री है और यहाँ थोड़ा कॉस्टली है तो इतना बजट मेरा है नहीं, आई कैंट अफोर्ड एनी मोर, तो मैं आज ही वापस निकलूँगा। ये देखो भाई लालिमा यार, उधर जाना पड़ेगा टॉप पे सनराइज कैप्चर करने के लिए, तो इधर नहीं आएगा तो उधर ऊपर चलते हैं। तो भाई यहाँ आ गया मैं, और चिश्ती बंग जो था वो उधर था नीचे की तरफ, वहाँ से मैं चढ़ा था, वहाँ से नीचे से चढ़ते 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 इधर से मैं फिर गया खोपरा के लिए। अब मैं खोपरा से भी ऊपर आ गया हूँ, खोपरा काफ़ी नीचे रह गया उधर पीछे की तरफ, और ये हिमालय एवरेस्ट इधर बहुत ही नज़दीक में आ गया, जो ख्याल लेके ये इधर ही पड़ता है ऊपर, और फिर इससे ऊपर जो जाते हैं वो जाते हैं अन्नपूर्णा साउथ बेस कैंप की तरफ, तो ये साउथ वाला जो अन्नपूर्णा बेस कैंप है वो ऊपर पड़ता है सर, जो कि है 7000 मीटर पे। तो अन्नपूर्णा जो है भाई 7000 या 7200 मीटर ऊपर है सी वाटर सी लेवल से, और खोपरा पड़ता है अपना 3660 वहाँ पर जो था, और ये 4000 ही पड़ जाता है यहाँ तक, तो ऊपर और आ गया मैं, और ख्यार लेक वगैरह कुछ, ख्यार लेक है या ख्यार कुछ है वो ऊपर पड़ता है, तो मैं ऊपर नहीं जा रहा जैसा कि बताया। हाँ अब तो यहीं से सनराइज के लिए मैं टाइम लैप्स लगाता हूँ फ़ोन को, बाकी ये व्यू है भाई, ऐसे हो जाते हैं भाई बादल नीचे 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 नीचे, हम सबसे ऊपर, क्या जबरदस्त व्यू लगता है ना कि हम पहाड़ के ऊपर बादल हमारे नीचे, बहुत बस फीलिंग रहती है यार, तो
उसके लिए मेहनत लगती है, अच्छी चीज़ें देखने के लिए हार्डवर्क चाहिए। ओ ये ओ इतना हार्डवर्क और नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मौसम साफ नहीं है। अगर मौसम साफ होता और मैं टूरिज्म टाइम पे आता, क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ, कुछ और होते तो कहते चल चल भाई चल ऊपर चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम हैं ना साथ में दे रहे। अकेला मैं रिस्क नहीं लूँगा, रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, बेवकूफ़ी कहलाएगी, रिस्क नहीं कहलाएगा। तो ये है भाई खोपरा, इसके बाद सनराइज़ व्यू देख के सीधा निकलेंगे नीचे के लिए, पोखरा के लिए। बाय। सोचा था सनराइज देखेंगे बट वेदर चेंज हो गया है और स्नोफॉल स्टार्ट हो गया यार। ओह माय गॉड, अभी मेरे को निकलना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा स्टार्ट होगी तो मैं स्टक हो जाऊंगा यहाँ पर, रुक नहीं पाऊंगा, मतलब फंस जाऊंगा। तो मेरे को अभी तुरंत बैग उठा के निकलना है नीचे के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गया और कोई चांस नहीं है, ना सनसेट दिखेगा ना कुछ दिखेगा, पूरा भाई क्लाइमेट चेंज, सॉरी वेदर चेंज हो गया भाई, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई यार। वाह स्नोफॉल हो रही दबा के, एक घंटे से उतर रहा हूँ नीचे और भाई ये बहुत खतरनाक है यार, मेरे से उतरा नहीं जा रहा, उतरने में दर्द हो रहा है, चढ़ने में तो हालत खराब हो जाएगी लोगों की। सीढ़ियाँ सारी सीढ़ियाँ हैं और भाई स्नोफॉल बहुत गदर हो रही है, ये देखो दबा के हो रही है, हल्की 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 गिर रही है भाई साहब। भाई ये आ गया है लारेनी पॉइंट, दो घंटे चलने के उतरने के बाद, दो घंटे ऊपर से उतरने के बाद जब जाके ये लारेनी पॉइंट आया एक पहला, और इधर स्नोफॉल नहीं हो रही, ऊपर ही स्नोफॉल हो रही है। और पुदुवार मुझे जाना है, पुदुवार जो है जितना मैं नीचे उतर के आया हूँ अभी, और इतना ही मेरे को उतरना है, मतलब ये सेंटर में पड़ता है दोनों के, खोपरा के और इसके पुदुवार के, तो उतना ही चलना है, चलते हैं आगे उतरते हैं नीचे। हेलो हेलो, बारिश स्टार्ट हो गया, बारिश रेन इट्स फॉलिंग, ऊपर बर्फ गिर रहा था नीचे पानी गिर रहा है, ऊपर स्नो स्टार्ट हो गया इसलिए मैं भाग आया, नहीं तो फंस जाता ऊपर, खोपरा पे वहाँ स्नोफॉल हो रहा है। ओके नीचे बस मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, ओके थैंक यू। हाँ पोखरा 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 बस मिल जाएगा, बस मिल जाएगा, ओके हेलो। चलो ये खेती हो रहा है, खेती क्या बो रहा है वो, आलू अच्छा आलू हो जाता है, ओके। ये गांव का नाम क्या है, पाउदर, पाउदर अच्छा यही है, पाउदर पाउदर यही पूरा ही आता है, ये नहीं नहीं दूसरा था और झारा है, अच्छा झारा है वो तातपानी है ना, हॉट स्प्रिंग, ओके नीचे तातपानी हॉट स्प्रिंग उधर है, उधर है, ओके। तो आलू हो रहा है इसमें, बहुत बढ़िया, ऊपर तो होता नहीं है आलू, मिट्टी उधर का वो रहता है। हाँ लॉरेनी, ओके ओके ओके। इधर स्कूल है भाई, ये चाइल्ड केयर सेंटर, और बच्चे देखो एंजॉय कर रहे हैं, हैविंग फन। काफी अच्छे बच्चे थे यार, मजा आ गया, इंजॉय कर रहे थे भाई, प्ले स्कूल था ये, पदवर था यहाँ से, क्या गाड़ी सुबह मिलती है या फिर बिल्कुल शाम को मिलती है, तो बोल रहे अभी तो कुछ नहीं मिलेगा,
अभी आप ताता पानी चले जाओ, वहाँ से आपको मिल जाएगा मेन रोड से। भाई तातो भी ताता पानी चलते हैं। देखो भाई नेपाल के लोग कितने मेहनती होते हैं, ये देखो ताई अकेली ले जाएगी लकड़ी। उठवाऊँ ताई, उठवाऊँ हाथ आराम से। बहुत मेहनती है भाई, बहुत मेहनती। कितनी लकड़ी होंगी? बहुत ज़्यादा। वेट आराम से होगा इसका 30 के आसपास की होगा, 30 किलो तो आराम से होगा भाई, 30 किलो से ज़्यादा ही होगा। गीली लकड़ी है कुछ उसमें। ओह माय गॉड, मैं ही मान लो यार, हम लोग तो भाई बिल्कुल थक जाते हैं। और जैसे मैं ऊपर से आ रहा हूँ थक गया, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, इनका डेली का है, इनका डेली का है। डेली अगर लकड़ी नहीं ले जाएंगे ना तो घर में चूल्हा नहीं चलेगा भाई, खाना पकाना है तो लेके जानी पड़ेगी। और ये ऊपर से आ रही हैं शायद, अब ऊपर आ रही हैं, देखो पीछे ऊपर चढ़ के आ रही हैं। फाइनली भाई पहुंच गया मैं वोरा साहब में मेन रोड, और ये है तातो पानी जगह। सवा एक हो रहे हैं भाई, 1:15 बजे तक यहाँ तक पहुँचा हूँ, 15 मिनट और मान लो 10 मिनट, 1:30 बजे तक, तो 8:30 बजे निकला था, 1:30 बजे पहुँच गया, 5 घंटे में मैं नीचे आ गया। बीच में मैं थोड़ा सा रुका, ज़्यादा नहीं रुका, रेस्ट मैंने ज़्यादा नहीं किया, एक जगह बैठ के बस थोड़ा सा चाय पानी पिया था और बिस्किट खाई थी एनर्जी के लिए। 15 मिनट भी मान लो मुश्किल से होगा, 15-20 मिनट, 2-3 जगह ऐसा धीरे धीरे रुक के आया, 5 घंटे में नीचे आ गया। चलो भाई गाड़ी मिलते मैंने क्यों सीधा पोखरा, मिलते पोखरा में, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ये बस मिल गई थी भाई पोखरा के लिए, इसमें बैठा हूँ। इसका जो किराया है भाई 700 रुपये वहाँ से, और बहुत लंबा रूट है, 5 घंटे लग जाएंगे आराम से। हो भाई शाम को 6:30-7 बजे पहुंच गया था इधर, हॉस्टल आ गया हूँ, पूरा थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार। आज मैं चला हूँ 38,000 स्टेप, मतलब कि 8×32 30-31 किलोमीटर के आसपास। बहुत थक गया यार, आज रेस्ट करूँगा, कल निकलूँगा काठमांडू के लिए। भाई हॉस्टल से मैं आ गया हूँ पृथ्वी चौक, जहाँ पर काठमांडू के लिए बस जाती हैं, सारी बसें काठमांडू की लगी हुई हैं, तो अभी मैं निकल रहा हूँ काठमांडू। ये बस जाएगी भाई, और एक आगे वाली बस है वो जाएगी, तो ये सीट दिखा रहा है कैसी सीट है, फुल है वैसे बस, सीट्स है नहीं। तो भाई काठमांडू पहुँच गया हूँ मैं, ये है काठमांडू का बस स्टैंड, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, मैंने काउच सर्फिंग का होस्ट देखे हैं, तो वो जैसे ही लोकेशन शेयर करेंगे तो उनके पास जाऊँगा, अदरवाइज़ अगर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मैं जाऊँगा हॉस्टल। तो ये था भाई बस स्टैंड, भाई होस्ट की ये प्रॉपर्टी है जो कि है कांकाली में, और कांकाली ये एक हिल स्टेशन टाइप का है, पहाड़ के ऊपर है, तो कांकाली में ये प्रॉपर्टी है जो होस्ट की है। तो यहाँ पर मुझे स्टे करना है, 1 दिन का मैंने डाला था, तो यहाँ पर शायद होस्ट रहते नहीं है, गेस्ट हाउस टाइप का है, और यहाँ पर बंदा मिलेगा मुझे, उन्होंने बोला था, मैंने बता दिया है। ताला लगा हुआ है, हिज नेम इज थाम बहादुर, ये यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी इंचार्ज है। ओहो नाइस, ओके दिस इज द रूम, ओके। तो ये है भाई अपना आज का रूम, और ये इधर से दिख रहा है सिटी व्यू, इसको लॉक मेरे लॉक किया, ओके। पूरा काठमांडू दिख रहा है इधर से,
ओके यही था भाई आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।